आज जो हमें साधन दिखाई देते हैं वो साधन नहीं थे, ये उस पीढ़ी के नेता थे जो गांव-गांव जाकर के एक एक व्यक्ति को जोड़ा है। शरद यादव जी का अगर देखें तो जिन लोगों के बीच में उन्होंने काम किया है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश के, और राजनीति में उन्होंने मेहनत करके संघर्ष करके अपने लिए स्थान बनाया। गरीब, शोषित, वंचित और खासकर उन लोगों के लिए जिनको कोई पूछ रहा नहीं था, उनके साथ खड़े दिखाई दिए। मैंने उन्हें लोकसभा में देखा है, बहुत से राजनेता कुछ बोलने के लिए संकोच करते थे, लेकिन शरद यादव जी वो नेता थे, कोई भी प्लेटफॉर्म रहा होगा उन्होंने जो कहना था वो स्पष्ट कहा होगा, कहीं कोई बात में छिपाना नहीं, अपने पक्ष को स्पष्टता से रखना। हम लोगों ने एक बड़े नेता को खोया है। मैंने उन्हें नेताजी के साथ काम करते देखा है, नेताजी और इन दोनों लोगों को एक दूसरे के पुराने दिनों को कैसे वो याद करते थे वो मैंने सुना और देखा है। ये दुख की घड़ी है, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकता हूँ इस दुख की घड़ी में घर परिवार और उनके सहयोगी साथी जो हैं उनको दुख सहने की शक्ति मिले। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।